हेलो दोस्तों दोस्तों आप लोगों के काफ़ी सवालात हमसे होते हैं RX 100 के पार्ट्स को लेकर। साहब हमारे पार्ट्स कब आएंगे, किस कुरियर से आएंगे, कितने दिनों में पहुंच जाएंगे? तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए हम अपने ऑफिस से चल पड़े हैं आपका पार्सल कुरियर करने। जी हाँ, हम 24 घंटे के अंदर जो पार्सल की बात करते हैं, 24 घंटे के अंदर जितने भी ऑर्डर होते हैं उन सबको पैकिंग करते हैं, उसके बाद उनको पार्सल करने के लिए तकरीबन इसी वक्त 8 और 9 के बीच में हम निकल पड़ते हैं। हमारा ऑफिस रोशन आरआर रोड दिल्ली 7 पर है। जी हाँ, ये यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है स्पीड पोस्ट के लिए। स्पीड पोस्ट का ऑफिस गोल मार्केट में है जो नई दिल्ली में लगता है। अब हम यहाँ से आपको गोल मार्केट स्पीड पोस्ट ऑफिस जो सरकारी है वहाँ तक लेकर चलते हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, साथ साथ आपको दिल्ली के रोड़ों की कुछ जानकारी भी हम साथ साथ देते रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हुआ और उसके बाद हम चल पड़े। जी हाँ, ये रोशन आरा रोड बस हम पार करने ही वाले हैं। ऊपर आप बोर्ड देख रहे हैं, राइट साइड को एक रास्ता जा रहा है करोल बाग के लिए और लेफ्ट साइड जा रहा है 30,000 कोर्ट के लिए। तो हम यहाँ से 30,000 के लिए यानी कि लेफ्ट को टर्न करेंगे, ये राइट साइड को हम नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि हम आगे चलकर ये फ्लाईओवर, जो नया फ्लाईओवर बना है यहाँ पर, उसी फ्लाईओवर को हम पकड़ेंगे जो सीधा हमें रानी झांसी रोड लेकर जाएगा। देखिए फिर यहाँ रेड लाइट हो गई है, चलिए यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं और जैसे ही ग्रीन लाइट होगी हम फिर यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो चुका होगा। देखिए ग्रीन लाइट हो गई है, अब हम चल रहे हैं और साइड में ये जो कुछ भी हो रहा है इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। हम आगे चलते गए अब आने वाला है फ्लाईओवर। जी हाँ, यहाँ से हम फ्लाईओवर चढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको आगे की रास्ते की जानकारी ज़रूर देते जाएंगे। ये देखिएगा अभी हम फ्लाईओवर चढ़ने वाले हैं, ये गोल सर्कल है, इस सर्कल से 30,000 सीधा चला गया लेकिन हम सीधे नहीं गए, हम राइट को टर्न कर गए। राइट को टर्न करने के बाद हम थोड़ा आगे चले, आगे चलते ही हमें फ्लाईओवर चढ़ने का रास्ता नज़र आ गया। जी हाँ, ये राइट को फिर घूम के वहीं जा रहे हैं लेकिन हम सीधा, ये जो कारें जा रही हैं ये सीधा फ्लाईओवर पर चढ़ेंगी और हम भी साथ साथ इनके फ्लाईओवर पर जा रहे हैं। अब हम सीधा चलते जाएंगे, ये वो फ्लाईओवर है जो 30,000 कोर से शुरू होता है और फिल्मी स्थान पर जाकर उतरता है और इसे रानी झांसी फ्लाईओवर कहते हैं। जी हाँ, ये रानी झांसी फ्लाईओवर है, ये 30,000 कोर से शुरू होकर फिल्मी स्थान सिनेमे पे जाकर उतरता है। चलिए हम आपको फ्लाईओवर की भी सैर करा रहे हैं, जो लोग दिल्ली में नहीं हैं, दिल्ली के बाहर के हैं वो इसको भी जानकारी लेते जाएं। अब हम फ्लाईओवर उतरने के बाद हम पहुंच चुके हैं ईदगाह की रेड लाइट पर। जी हाँ, ईदगाह की रेड लाइट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम फिर सीधा चलेंगे। ये रानी झांसी रोड है, इसको रानी झांसी रोड बोलते हैं। आगे चलते जाएंगे, आगे जाने के बाद इसी रोड पर झंडे वाली माता का मंदिर है जो राइट साइड में है, थोड़ा आगे चलकर। और यहाँ पर इस रोड के ऊपर कुछ आपको बैल ठेले वगैरह जो बहुत ही पारंपरिक पहले चला करते थे दिल्ली के अंदर, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो बैल ठेले आपको नज़र आएंगे, वो सिर्फ यहीं नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ सदर बाज़ार पास में लगता है, इसलिए सदर बाज़ार गल्ला मार्केट में या मोतिया खान लगता है वहाँ पर इनकी आज भी रिक्वायरमेंट यानी कि ज़रूरत है। बैल ठेलों से माल की ढुआई आज भी दिल्ली में होती है। और यहाँ से हम चले, आगे चलते गए, ये रेड लाइट थी, यहाँ से हमने ग्रीन लाइट होते ही हम चले और आगे जाते रहे, साथ साथ ट्रैफिक भी आप देखते रहिएगा। शाम का वक्त है और
9 के अब 9 बजने वाले हैं, लेकिन इसीलिए हम शाम को निकलते हैं कि कम से कम ट्रैफिक हो, जिससे हम जल्द से जल्द हम स्पीड पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएं और हमें परेशानी दिक्कत ना हो। आप देखिए ये साइड में जो लोग जा रहे हैं, ये इसीलिए जा रहे हैं कि अपना जो अपना साइड की लेन है, जिससे कि जल्दी पहुंचे। और यहाँ ट्रैफिक होता है कई दफ़ा मेन रोड पर, इसलिए लोग साइड की लेन पकड़ लेते हैं। देखिए साहब, ये काफ़ी लंबा रोड है, रानी झांसी रोड, और यहाँ से हम चलते जा रहे हैं। अब यहीं पर राइट साइड में माता का मंदिर है, झंडे वाली माता का मंदिर, वो हम किन्हीं कारणों से नहीं दिखा पा रहे हैं। अब आगे आ गया बोर्ड, देखिए राइट साइड को करोलबाग जा रहा है, सीधा गोल मार्केट जा रहा है। अब हमें कहाँ जाना है? हमें गोल मार्केट जाना है, क्योंकि गोल मार्केट के अंदर ही स्पीड पोस्ट ऑफिस है, जो 24 आवर्स 7 डेज काम करता है, सातों दिन 24 घंटे खुला रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर आपका पार्सल डिस्पैच कर देंगे। अब देखिए हम आ गए उस गोल चक्कर से, सीधा गए वो गोल चक्कर से, लेफ्ट को जो रोड जा रहा था वो पहाड़गंज यानी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखिए कार वाले को देखिए, ये रॉन्ग साइड चल रहे हैं, कानून तोड़ना तो इनका जैसे जन्मसिद्ध अधिकार है। खैर चलिए, हमारा मकसद किसी को कानून पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद है आपका पार्सल आप तक पहुंचाना। तो मैं कह रहा था कि पीछे जो गोल सर्कल था, वहां से लेफ्ट को जो रोड जा रहा था वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए जा रहा था। अब हम आगे आ रहे हैं, हम पचकुइयां रोड को टच करने वाले हैं। जी हां, पचकुइयां रोड, जो पचकुइयां रोड की रेड लाइट आ गई है, यहां से फिर अगर मान लीजिए हम राइट साइड को हम मुड़ते हैं तो करोलबाग पहुंच जाएंगे, और इस रेड लाइट से अगर हम लेफ्ट को टर्न करते हैं तो हम कनॉट प्लेस पहुंच जाएंगे। जी हाँ, कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल है और आपको मालूम होगा, लेकिन हम आज कनॉट प्लेस आपको नहीं दिखा पाएंगे, सिर्फ उसके बारे में उससे टच होते हुए हम रोड को दिखा देंगे। अब देखिए हम पचकुइयां रोड की तरफ मुड़ चुके हैं, अभी भी ट्रैफिक है लेकिन कम है। कई कई दफ़ा तो यहाँ इतना ट्रैफिक होता है कि काफ़ी समय लग जाता है। देखिए यहाँ बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पर कभी कभी काफ़ी अच्छी चेकिंग होती है। अब हम आगे चलते जा रहे हैं, ये पचकुइया रोड पर हम पहुँच गए हैं। अब लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक बनवाईलाल हॉस्पिटल है, ये सब रेड लाइट पे लेफ्ट हैंड पे है, लेकिन हमें गोल मार्केट जाना है। जी हाँ, गोल मार्केट, ये रेड लाइट आ गई है, इस रेड लाइट से हमें राइट को टर्न करना है। अगर हम सीधा जाएंगे तो कनॉट प्लेस पहुंच जाएंगे, और राइट को टर्न करेंगे तो हम मंदिर मार्ग के लिए मुड़ गए हैं। जी हाँ साहब, ये मंदिर मार्ग पर जाते हुए अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो इसी मंदिर मार्ग पे बिरला मंदिर है। जी हाँ, बिरला मंदिर तो आपने सुना होगा, और कभी मौका लगा तो हम आपको बिरला मंदिर भी बताएंगे, दिखाएंगे भी। लेकिन अब हम सीधा चल रहे हैं, आपके पार्सल को जल्द से जल्द पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड पोस्ट ऑफिस जो है, जो सरकारी है, वो 24 आवर्स काम करता है। अभी हम आपका पार्सल देंगे तो अभी रात में ही यहां से निकल जाएगा, और जो मिनिमम से मिनिमम टाइम लगता है उतने में आपके घर तक, आपके दरवाजे तक हमारा पार्सल, आपका पार्सल आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सरकारी है, इस पे भरोसा करना हमारा हमें अच्छा लगता है और होना भी चाहिए, और हम सरकार से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। खैर चलिए, अब हम आगे मंदिर मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी पौश इलाका है, ये हरियाली है, और यहाँ से हम जब अब टर्न करेंगे वो लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, क्योंकि सीधा ये मंदिर मार्ग आगे तक जा रहा है, लेकिन हमें लेफ्ट को जाना है, गोल मार्केट की तरफ जाना है। हमने भी साइड पकड़ी है, और यहाँ से जो साइड लेन है
उससे हमने आगे बढ़ते हुए ये रेड लाइट से सीधा जाएंगे तो बिरला मंदिर आएगा। ये बिल्कुल पास पार करते के साथ ही बिरला मंदिर है, लेकिन हमने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और ये रास्ता जो है वो गोल मार्केट के लिए जा रहा है। बस कुछ ही मिनटों में आप गोल मार्केट पहुँचने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और पार्सल के साथ साथ आपको पूरा दिल्ली का तो नहीं, पूरी का तो नहीं, पर लेकिन कुछ जोग्राफिया आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अगर आप दिल्ली घूमने आए तो आपको इन रोडों के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी होनी ही चाहिए। अब यहाँ से ये सीधा रोड कनॉट प्लेस निकलता है, ये भी निकलता है, लेकिन ये वन वे कर दिया गया है, कनॉट प्लेस जा नहीं सकते, कनॉट प्लेस से आ सकते हैं। खैर, ये जो गोल गोल नजर आ रहा है ये गोल मार्केट है। एक समय ये था कि यहाँ पर चारों तरफ दुकानें थीं, लेकिन बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से इसको चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन के लिए ना जाने किस लिए इसको सील कर दिया गया है, चारों तरफ चादरें लगा दी गई हैं। ये देखिए, ये जो लेफ्ट को रोड आ रहा है ये कनॉट प्लेस से आ रहा है और इससे जा नहीं सकते, आ सकते हैं। ये आगे गए, ये इस रोड पर हम फिर हम आगे बढ़े और अब बस कुछ ही मिनटों में हमारा जो टारगेट है, जो स्पीड पोस्ट का ऑफिस है, वो चंद मिनटों में आने वाला है। देखिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लग रही है, तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई कमी नज़र आए तो वो भी बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। ये देखिए साहब, ये आ गया स्पीड पोस्ट ऑफिस, गोल मार्केट में है। और ये देखिए, ये हम आपके ऑफिस पहुंच गए, ये यहाँ पहुंच गए और पहुंचने के बाद यहाँ हमने आपका पार्सल यहाँ पर जमा करा दिया और आप तक तुरंत पहुंचने की पूरी स्पीड पोस्ट भी अपनी पूरी कार्रवाई करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।